नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 2017 करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वर्तमान में कौन क्या कहाँ है भारत में, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, SSC, बैंक, रेलवे, MPPSC, पटवारी और हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक से तो 100% मान के चलिए आप दोस्तों, जरूर प्रश्न बनेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ध्यान से, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा उसमें क्लिक कर दीजिए, और साथ में बगल में बेल आइकॉन भी होगा उसमें भी क्लिक कर दीजिए। इससे फायदा यह होगा दोस्तों, मैं अपने चैनल पर ऐसे ही डेली एग्जाम से रिलेटेड 100 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों प्लीज़, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देर के। सबसे पहला जो देखें अपन, संवैधानिक पदाधिकारी भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं वर्तमान में, और उपराष्ट्रपति जो हैं श्री वेंकैया नायडू जी। ठीक है, प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी। अब न्यायिक प्रमुख देखेंगे भारत में जो है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वो न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी। फिर अगला है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के वेणुगोपाल वर्तमान में, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, SSC हो, पटवारी एग्जाम के लिए स्पेशल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नियुक्तियाँ। फिर अगला सॉलिसिटर जनरल जो है वर्तमान में रंजीत कुमार जी। ठीक है, रंजीत कुमार जी। चलिए अगला देखते हैं। अब संसदीय प्रमुख देखेंगे जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो उपसभापति, सभापति जो है राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी। पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। फिर उपसभापति राज्यसभा के वो हैं पीजे कुरियन। ठीक है, उपसभापति जो राज्यसभा के पीजे कुरियन। लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में सुमित्रा महाजन जी, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। उपाध्यक्ष लोकसभा एम थम्बी दुरई, लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई। फिर लोकसभा के जो महासचिव हैं वर्तमान में अनूप मिश्रा। अब महासचिव राज्यसभा जो हैं देश दीपक वर्मा जी। विपक्ष नेता जो हैं राज्यसभा में वो हैं गुलाम नबी आज़ाद, और नेता जो सत्ता पक्ष हैं राज्यसभा में वो हैं अरुण जेटली जी। लोकसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, सभापति राज्यसभा ये वेंकैया नायडू जी, और मेन अध्यक्ष लोकसभा के सुमित्रा महाजन। ठीक है, फिर अगला देखते हैं निर्वाचन आयोग में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी अभी निर्वाचित ही है नए, इनकी नियुक्ति अचल कुमार ज्योति जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान में अचल कुमार ज्योति जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चुनाव आयुक्त तो जो है इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग में सुनील अरोड़ा जी, ओम प्रकाश रावत जी। ठीक है, फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में जो कैग हैं वो राजीव महर्षि जी, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि जी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखेंगे अपन, सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। फिर वायुसेना अध्यक्ष जो है वर्तमान में एयर चीफ मार्शल VS धनोवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VS धनोवा। नौसेना अध्यक्ष जो है एडमिरल सुनील लांबा। महानिदेशक सैन्य संचालक DGMO जो है लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट जी हैं। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत। चलिए अब सचिव एवं सलाहकार देख लेते हैं महत्वपूर्ण। कैबिनेट सचिव जो हैं वर्तमान में प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं। सचिव जो सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के, वो हैं भास्कर खुलवे। और प्रधान सचिव चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के जो हैं वो हैं नृपेंद्र मिश्रा। विदेश सचिव ये हैं S जयशंकर। और केंद्रीय गृह सचिव इनकी अभी अभी नियुक्ति हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजीव गाबा। जिनमें हाईलाइट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी अभी वर्तमान में नियुक्ति हुई है, जैसे राजीव गाबा केंद्रीय गृह सचिव वर्तमान में। वित्त सचिव जो है वो है अशोक लवासा। रक्षा सचिव इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, संजय मित्रा जी हैं वर्तमान में रक्षा सचिव, वर्तमान में संजय मित्रा जी। राजस्व सचिव जो है डॉक्टर हंसमुख आधिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वर्तमान में वो है अजीत कुमार डोवाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार है डॉक्टर आर चिदम्बरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के जो है वर्तमान में अरविंद सुब्रमण्यम जी। फिर देख लेते हैं अपन गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है KV चौधरी जी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त KV चौधरी। और आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो हैं
वो है राजीव। फिर है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के जो निदेशक है वर्तमान में आलोक वर्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाईलाइटेड अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक हैं सीबीआई के आलोक वर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वर्तमान में आर के माथुर, मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में आर के माथुर, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक है राजीव जैन, और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो निदेशक है वर्तमान में राजिंदर खन्ना जी, फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक है वह शरद कुमार। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक है वर्तमान में रजनीकांत मिश्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण। फिर है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक है वर्तमान में के शर्मा जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक राजीव राय भटनागर। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जो महानिदेशक है वर्तमान में ओपी सिंह। सुधीर प्रताप सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी नियुक्ति हुई है, जिनमें ये ब्लैक हाइलाइटेड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर के पचनंदा ये हैं आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक, आर के पचनंदा। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ जी। फिर हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राजेंद्र सिंह जी, और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में धर्मेंद्र कुमार जी। फिर अगला है महानिदेशक सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के जो हैं सुरेश शर्मा जी। असम राइफल्स के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह, और होमगार्ड के महानिदेशक है वर्तमान में आरआर वर्मा। चलिए देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रमुख आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष नीति आयोग के बहुत महत्वपूर्ण, इनकी अभी नियुक्ति हुई है अरविंद पनगड़िया की जगह पर डॉक्टर राजीव कुमार जी। सीईओ जो है नीति आयोग के अमिताभ कांत जी वर्तमान में। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में डेविड आर सिमिल। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में बलबीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में ललिता कुमार मंगलम जी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों कुशल सिंह। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अमिताभ भट्टाचार्य। 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर जी। फिर है 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में वाई वी रेड्डी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं ओबीसी के न्यायमूर्ति वेनंगला ईश्वरैया। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में नंद कुमार साई, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच एल दत्तू। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं वह सैयद हसन रिजवी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए एक बार और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, महान्यायवादी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, सभापति राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी। ठीक है, और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के अचल कुमार ज्योति जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि जी, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। फिर है विदेश सचिव, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, केंद्रीय गृह सचिव जो है वो राजीव गाबा जिनके भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। रक्षा सचिव जो संजय मित्रा जी। फिर देख लेते हैं अगला, मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के अरविंद सुब्रमण्यम, और वर्तमान में जो सीबीआई हैं आलोक कुमार वर्मा जी, आलोक वर्मा सीबीआई, और एसएसबी के जो महानिदेशक हैं रजनीकांत मिश्रा। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के सुधीर प्रताप सिंह, काफ़ी महत्वपूर्ण, और आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक आर के पचनंदा, और रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं धर्मेंद्र कुमार। फिर है यहाँ पे महत्वपूर्ण नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष अभी इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है डॉक्टर राजीव कुमार, काफ़ी महत्वपूर्ण, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद हसन रिजवी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, और फाइनली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।